लंबे समय से महाविद्यालय की मांग को लेकर बेटमा क्षेत्र में आवाज उठती आ रही है, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी मैदान में आ चुका है। महाविद्यालय खोलने की मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद ने कई चरणबद्ध आंदोलन भी किए हैं। धरना प्रदर्शन हो, काली पट्टी बांधकर विद्यालय आना हो, या जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन के माध्यम से सरकार से कॉलेज की मांग उठाना हो, विद्यार्थी परिषद ने इंदौर सांसद शंकर लालवानी और पूर्व विधायक मनोज पटेल को भी ज्ञापन सौंपा था। विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेटमा आए तो इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने विद्यार्थी परिषद की मांग को रखते हुए मुख्यमंत्री से कॉलेज की घोषणा करवाई थी, जिसे अब कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। अब कॉलेज की जमीन को लेकर के जमीन देखी जा रही है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन देख करके बेटमा क्षेत्र में कॉलेज का मुद्दा उठाया था, जिसे मैंने 2 फरवरी को पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था। साथ ही लगातार क्षेत्र से जानकारी प्राप्त हो रही थी कि बड़ी संख्या में लड़कियां बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ देती हैं। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। बेटमा में आपने मेरे भांजे भांजियों ने, भांजे भांजी है कि नहीं, तो कॉलेज चाहिए क्या या स्नातकोत्तर चाहिए? ना स्नातकोत्तर चाहिए, अभी कॉलेज नहीं है। इसी साल अगले सत्र में, मतलब जुलाई से जो शुरू होगा, क्योंकि अब तो ये फरवरी चल रही है, इसलिए अभी कॉलेज खोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पढ़ाई परीक्षा आ गई। लेकिन अगला सत्र जो जुलाई से प्रारंभ होगा, बेटमा में कॉलेज प्रारंभ कर दिया जाए। देखिए, मैं आप सबके दिल की बात जानता हूँ। बेटमा नगर में विद्यार्थी परिषद लंबे ही समय से महाविद्यालय की मांग कर रहा था। विद्यार्थी परिषद ने महाविद्यालय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, काली पट्टी बांधी, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, सांसद श्री शंकर लालवानी जी को ज्ञापन दिया गया और पूर्व विधायक जी को भी ज्ञापन दिया गया। विकास यात्रा के दौरान माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बेटमा है, उसी बीच सांसद जी के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया। उसी के बाद कैबिनेट में भी महाविद्यालय की मंजूरी हो गई। इस बीच हम विद्यार्थी परिषद का प्रतिमंडल सांसद जी को धन्यवाद आभार प्रकट करने आया है। इसी महाविद्यालय की मंजूरी होने के बाद महाविद्यालय से छात्राओं को कई लाभ होंगे। 12वीं के बाद छात्राएं पढ़ाई छोड़ देती थी, महाविद्यालय आने से अब छात्राएं ठीक से पढ़ पाएगी। विकास कुशवाहा, मऊ जिला प्रमुख। देपालपुर क्षेत्र के जो बेटमा है, वहाँ पर लंबे समय से कॉलेज खोलने की मांग चल रही थी, और ख़ास करके जब मैं दौरे पे जाता था तो वहाँ के हमारे साथी एबीवीपी के सभी पदाधिकारी, छात्र, अभिभावक ये मांग करते थे कि बेटमा में भी कॉलेज खुलना चाहिए। चिंता तब बढ़ती है जब हमारी जो बहनें हैं तो वो ग्रामीण से शहर में आने में उनको दिक्कत रहती है, तो उसको लेके सबको चिंता थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब इंदौर देपालपुर के बेटमा में यात्रा में आए थे, विकास यात्रा, उस समय उन्होंने घोषणा की थी। मैं पूरे देपालपुर की ओर से, खास करके बेटमा की ओर से, खास करके उन बहनों की ओर से और हमारे एबीवी के साथियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र में ये उपलब्धि दी है। निश्चित तौर पे अब हमारी बहनें और भाई सभी कॉलेज की सुविधा उपलब्ध होगी और पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, हमारे शहर का नाम, हमारे प्रदेश का नाम और देश का नाम रोशन करेंगे। तो तहसील और रोड के लिए भी बात हुई थी, उसको लिए कहाँ तहसील प्रक्रिया चल रही है, और मेठवाला रोड की भी माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मांग की गई थी, लंबे समय से समस्या थी, स्थानीय लोग बार बार आते थे, हमने कई बार दौरे भी किए, हमारे जो वरिष्ठ नेता है मनोज पटेल जी वो भी इस बारे में हमेशा मांग करते रहते थे, तो वो भी स्वीकृत हुआ है। उसके लिए भी प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।